सबको प्रणाम करता हूं। आज मैंने सुना है उन्नीस में एक नहीं दो सभाएं हो रही है और जो पड़ोस में सभा है एक तो दो सभा ऐसी है जिसमें भीड़ जनता की नहीं शासन की भीड़ है। और आज जो रामलाल जी के द्वारा आयोजित हमारे तीन सौ धन सभा एकत्रित हुआ है ये कोई शासन या पैसों की नहीं बल्कि ये भीड़ की भीड़ है। ये वो लोग हैं जिनका आत्मीय संबंध कांग्रेस के साथ है। ये वो लोग हैं जो आज इस बात से आक्रोशित है कि जो आज सरकार मध्य प्रदेश में है ये सरकार जनबल की नहीं है ये सरकार धनबल की है। ये सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में वोटों की नहीं ये सरकार नोटों की है और इसीलिए आज जनता में आक्रोश है क्योंकि वर्तमान सरकार एक सौदे की सरकार है। और आपको मैं आज करना चाहता हूं बिलाल जी कि राजस्थान में भी प्रयास किया गया था सरकार गिराने का कोरोना काल में। अंतर सिर्फ इतना था कि सचिन पायलट जी बिकाऊ नहीं टिकाऊ थे और जो मध्य प्रदेश में बिकाऊ लोग थे वो तो टिक गए। अब मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं आप जो जो कांग्रेस में है एक एक विधायक एक एक नेता सिर्फ टिकाऊ है आप सबके लिए हाजिर है पंजे के लिए हाजिर है और जनता के लिए एक एक किसान और एक एक नौजवान के विकास के लिए हाजिर है। अगर आज जनता में आक्रोश है मध्य प्रदेश में तो इस बात का आक्रोश है कि जो शुरुआत कर्ज माफी की कमलनाथ जी ने की थी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं मैं भी उस समय मंत्री था और शपथ लेने के बाद सबसे पहला आदेश अगर कमलनाथ जी ने किया था तो कर्ज माफी की शुरुआत का आदेश किया था। यह बात सही है कि कर्ज माफी एक बड़ी योजना थी बात लाखों किसानों की थी इसलिए कमलनाथ जी की सोच थी कि शुरुआत हम उन छोटे किसानों के साथ करें जिनका कर्जा था 50,000 से कम और 2019 में शुरुआत हुई थी उन किसानों के साथ। उसके बाद फरवरी 2020 में कर्ज माफी का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था जिसमें हमने वो किसान लिए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1,00,000 के बीच में लेकिन उसके एक महीने बाद सिंधिया जी बिक गए सरकार हमारी नहीं बच पाई। लेकिन अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो ये लोग पिछले 3 साल में शेष कर्ज माफी पूरी कर सकते थे क्योंकि आखिर जय किसान ऋण माफी योजना कोई राजनीतिक दल की नहीं थी कांग्रेस भाजपा की नहीं थी वो तो मध्य प्रदेश शासन की योजना थी। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा की सरकार की नीयत साफ नहीं थी इनने शेष कर्ज माफी पूरी नहीं करी लेकिन आज आपके बीच मंच पे 4 विधायक उपस्थित हैं और राजस्थान के मंत्री भी हैं। हम सब आपको वादा करते हैं कि अगर 2 महीने बाद सरकार पंजे की बनती है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक एक किसान जिसकी कर्ज माफी शेष रह गई थी चाहे कर्जा 80,000 का हो 1,25,000 का हो 2,00,000 का हो 4,00,000 का हो 2,00,000 तक कांग्रेस सरकार कर्ज माफ करके देगी ये हमारा वचन है आप सबको। लेकिन आज बात सिर्फ कर्ज माफी की नहीं है आज किसान ये भी बात कर रहा है जो डीपी भाई कह रहे थे कि किसान को भाजपा की सरकार में फसल का सही दाम मिलता है क्या। आप याद करो आज से 9 साल पहले जब देश में सरकार कांग्रेस की थी उस समय भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी और शिवराज जी 2022 तक किसान की आय 2 गुनी कर देंगे। अब तो 2022 क्या 23-24 आने वाला है। मैं आप सबसे पूछता हूं क्या भाजपा के राज में किसान की आय 2 गुनी हुई क्या। उल्टा अगर कोई 2 गुना हुआ है तो खाद के दाम 2 गुने हुए हैं डीएपी के दाम 2 गुने हुए हैं भाजपा के राज में किसान की लागत 2 गुनी हुई है और किसान की आय तो भाजपा के राज में आधी हो गई है। आज हर किसान घाटे में है
और आज किसान भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जब किसान के खेत पर गेहूं की फसल खड़ी होती है तो उस समय तो गेहूं का दाम 3000 तक पहुंच जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब कटाई होती है और किसान उसके गेहूं के फसल के साथ ट्रैक्टर के माध्यम से मंडी पर पहुंचता है तो मंडी पर पहुंचते पहुंचते वही गेहूं का दाम भाजपा की सरकार में 3000 से 1900 तक पहुंच जाता है। ये वास्तविकता भाजपा सरकार की है। और बात सिर्फ गेहूं की नहीं है, जैसा डीपी भाई बता रहे थे कुछ दिन पहले ही प्याज के दाम 35-40 पर पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जानकारी मिली, मामों को जानकारी मिली कि दाम प्याज के बढ़ रहे हैं, किसान को लाभ मिलने वाला है, तो तत्काल प्याज के निर्यात पर टैक्स लगाया गया और सीधे प्याज के दाम आधे हो गए। और बात सिर्फ प्याज की नहीं है, बात तो टमाटर की भी। जब मालवा में किसान के खेत पर टमाटर की फसल थी और जब किसान टमाटर की फसल को बेचने के लिए तैयार था तो दाम 1 रुपए तक आ गए, 2 रुपए तक आ गए। और जैसे ही भाजपा के बड़े बड़े थोक व्यापारियों के हाथ में टमाटर की फसल पहुंची तो वही टमाटर 150 पर 200 पर। वाह मोदी जी वाह, बहुत बड़ी कृपा हो रही है। लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद भाजपा सरकार ने और उनकी नीतियों ने टमाटर के दाम इसलिए 200 रुपए किए हैं ताकि पेट्रोल सस्ता दिख जाए, कहने को मिल जाएगा। भाजपा तो ऐसी तरक्की कर रही है, मोदी जी और मामू ऐसी तरक्की कर रहे हैं कि पेट्रोल तो टमाटर से सस्ता हो गया। वाह भाजपा वाह, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो आप। आपको याद है यही लोग कहते थे आज से 9 साल पहले, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जनता को लगा देश में सरकार कांग्रेस की है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है, पेट्रोल बिक रहा है 55 रुपए में, डीजल बिक रहा है 45 रुपए में, ये तो बहुत महंगा है। मोदी जी आएंगे, सस्ता पेट्रोल मिलेगा, सस्ता डीजल मिलेगा। लेकिन जितनी महंगाई 67 साल में हुई थी, अकेले उतनी महंगाई भाजपा की सरकार ने 7 साल में करके दिखा दी। पेट्रोल हो गया 55 से 110, डीजल हो गया 45 से 90 बार, खाने का तेल हो गया 50 से 150 बार, रसोई गैस के दाम हो गए 300 से 1200। वाह भाजपा वाह, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। लेकिन जब कोई भाजपा का नेता गांव में आएगा और जनता उनसे पूछेगी कि आप तो बहुत बड़ी बातें करते थे कि आप तो महंगाई से हमको राहत दोगे, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, तो वो कहेंगे रे पेट्रोल की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, देश खतरे में है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, यहां पे सब कांग्रेसी हैं, परंपरागत कांग्रेसी हैं, आपको तो छाती तान के कहना चाहिए हम तो उस कांग्रेस के हैं जिसकी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। फिर ये कहेंगे अरे देश की बात मत करो, धर्म खतरे में है, तो आपको भी छाती तान के कहना चाहिए हम तो उस हिंदू धर्म के हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान हैं, हम तो उस हिंदू धर्म के हैं जिसमें सदैव महाकाल भगवान हमारी सदैव रक्षा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा में उल्लेख है सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब महाकाल भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, बजरंग बली हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे हिंदू धर्म को ना कभी कोई खतरा था, ना कोई खतरा है और ना कभी कोई खतरा होगा। लेकिन ये जो बातें भाजपा की है ये बेफजूल बातें हैं जिसके द्वारा वो मासूम किसान को, मासूम युवा को गुमराह करते हैं। हम जब आरती करते हैं तो आरती के बाद क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में। अब जब हम मंदिर के सामने कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो
तो इसका अर्थ तो ये भी है कि प्राणी तो हर समाज के होते हैं, हर धर्म के होते हैं, और अगर हम मंदिर के सामने कहते हैं कि सद्भावना सभी प्राणियों में हो, इसका मतलब ये है कि हमको ऐसी सरकार चाहिए है, ऐसे नेता चाहिए है जो हमेशा हर समाज में, हर धर्म में सद्भावना रखे। उसके बाद हम कहते हैं मंदिर के सामने विश्व का, अब जब हम मंदिर के सामने कहते हैं कि कल्याण पूरे विश्व का हो, उसका मतलब तो ये भी है कि विश्व में हर समाज है, हर धर्म है। तो अगर हम मंदिर के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सबका हो, उसका मतलब सरकार भी ऐसी होनी चाहिए है जो सबकी कदर करे, सबको साथ रखे। और यही सोच सनातन धर्म की है और यही सोच कांग्रेस पार्टी की भी है, और इसी कारण हमारा सौभाग्य था उदयलाल जी कि जब हम सबके नेता राहुल गांधी जी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले थे, तो वो हमारे इसी पावन भूमि से गुजरे थे और उनका एक ही उद्देश्य था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, क्योंकि आखिर हमारी ताकत ही हमारी एकता में है, अखंडता में है, सर्वधर्म सौभाग्य में है। आज हमारे बीच राजस्थान के मंत्री विराजमान है, कैबिनेट मंत्री है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बहुत करीबी है, और साथ में वर्तमान में इनके पास विभाग भी है सहकारिता का, राजस्थान तो पड़ोस में है, वहां सरकार कांग्रेस की, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 साल के उदयलाल जी ना चुनाव हुए सहकारिता के, ना चुनाव हुए सोसाइटी के, हुए क्या? लेकिन राजस्थान में तो हर 5 साल होते हैं। आप आज कल्पना कीजिए कि जो किसान को मार पड़ रही है, जो किसान को दिक्कत आ रही है खाद बीज उपलब्ध होने में, जो अनेकों चक्कर किसान को काटने पड़ते हैं सहकारी बैंकों के, सोसाइटियों के, उसका कारण क्या है? आज मंडी बंद क्यों पड़ी है? किसान क्यों परेशान है? क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल से चुनाव ना मंडी के हुए हैं, ना सोसाइटी के हुए हैं, ना सहकारी बैंक के हुए हैं। ये लोग पूर्ण रूप से खिलाफ है लोकतंत्र के। और आप तो कल्पना कीजिए, आप विचार कीजिए, आखिर ये भ्रष्ट भाजपा की सरकार चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती? क्योंकि अगर चुनाव होंगे तो सोसाइटी पर, सहकारी बैंक में, मंडी में भाजपा का दलाल नहीं, किसान बैठेगा, और अगर किसान बैठेगा तो राज किसान का होगा, लेकिन अगर चुनाव नहीं होंगे तो किसान सोसाइटी पे, सहकारी बैंक पे, मंडी पर नहीं बैठ पाएगा, और अगर वो नहीं बैठ पाएगा तो कौन हावी होगा? भाजपा के दलाल हावी होंगे। मैं तो आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के राज में एक भी काम बिना पैसे के होता है क्या? हर तहसील में, हर थाने पे, हर सरकारी कार्यालय पे दलाल भाजपा के हावी है। जो काम किसान का अधिकार होता है, जो काम एक आम आदमी का अधिकार होता है, संविधान में जो उल्लेख है, वो भी अधिकार के लिए भी पहले तो रिश्वत दो फिर काम लो। बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, अब हम आ जाए लाडली बहना योजना पे, जरूरी है। पहले तो मामों ने कहा हर माता हर बहन को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, फिर पलट गए, शर्तें डाल दी, कोई बहन जिसकी आयु 23 वर्ष से कम की है उसको लाभ नहीं मिलेगा, कोई माता जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की है उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कर करके परिणाम ये आया है कि अगर आप कोई भी पंचायत में आंकड़ा निकालोगे, आप कोई भी जगह पता करोगे, तो मुश्किल से 100 में से 40 माता बहनों को लाभ मिल रहा है। आज भी लगभग 50 से 60% ऐसी माता बहने हैं जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है। और जब कमलनाथ जी को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो नारी सम्मान योजना के अंतर्गत चाहे उस बहन की आयु 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की हो या फिर
उस माता की आयु 60 वर्ष के ऊपर की हो, 70-80 वर्ष की हो, हमारा आप सबको वचन है अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हर माता हर बहन को प्रति माह 1500 रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं नारी सम्मान योजना कांग्रेस की 2-in-1 की योजना है, इसमें 1500 रुपए के साथ साथ मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा राजस्थान हमारे पड़ोस का राज्य है, उदयनाथ जी वहां के कैबिनेट मंत्री हैं, एक तरफ जो सरकार मध्य प्रदेश में है वो तो स्वीकारती नहीं है क्या महंगाई है, वो तो कहते अमृतकाल है, कोई महंगाई नहीं, किसान की आय दोगुनी हो गई। सत्य सटीक बेबाक।